Hi, today I am discuss about differences for mathematical tools for physics class 11th. इससे पहले कुछ जानकारी दे चुका था मैं. अगर y सॉरी जो y है x का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं, dy dx of y. अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है. ऐसी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आता है और इसका डिफरेंशिएट 1 होता है और यहाँ पर c आता है. एक जनरल फॉर्मूला ये है आपका dy dx of x की पावर n इज इक्वल टू n, आगे आएगा x की पावर n माइनस 1. ये जनरल फॉर्मूला है. ऐसी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं हम. कुछ फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. dy dx of sin x होता है आपका cos x, dy dx of cos x होता है माइनस sin x, d by dx of tan x होता है sec square x, d by dx of cot x होता है minus cosec square x, d by dx of sec x होता है tan x sec x, d by dx of cosec x होता है minus cot x cosec x. ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके डिफरेंशिएशन ये है. ये बहुत यूजफुल है क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए. एक जनरल फॉर्मूला ये है. ऐसी इसमें एक और है, ये आपने नोट किया होगा और रिपीट कर दे रहा हूँ. अगर कोई फंक्शन x का है तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, dy by dx, कांस्टेंट का जीरो होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कांस्टेंट बाहर, d by dx of इसका 1 c. ये फॉर्मूला होता है आपका जनरल फॉर्मूला d by dx of x की पावर n, n आगे आएगा आपका तो क्या होगा x की पावर n माइनस 1. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. d by dx of sin x equal to cos x, d by dx of cos x equal to minus sin x, d by dx of tan x equal to sec square x, d by dx of cot x equal to minus cosec square x, d by dx of sec x equal to tan x sec x, d by dx of cosec x equal to minus cot x cosec x. ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिन्हें आपको याद करने हैं. ये बहुत यूजफुल होंगे फिजिक्स में, चाहे क्लास 11th की बात करें, 12th की बात करें. कुछ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं. अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा आपका, देखो d by dx of e की पावर x अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही रहेगा इसका. ऐसी कोई लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं तो d by dx of log बेस टू x अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन x. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है. अब इसको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो यूजफुल होंगे आपके फिजिक्स में, चाहे 11th की बात करें, 12th की बात करें. तो जनरल कुछ इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इन फॉर्मूलों को देखिए. जनरल फॉर्मूला ये है आपका d by dx of x की पावर n इज इक्वल टू, ये n आता है आगे, x की पावर n माइनस 1. ये जनरल फॉर्मूला है. ऐसे ही हम कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी फंक्शन को x की पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, d by dx of x की पावर 5. तो देखिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं. n की जगह यहाँ क्या है, 5 है, इसको 5 आगे लेके आए और x है, x की पावर n माइनस 1. तो x क्या होगी, x की पावर 5 माइनस 1. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 इंटू x की पावर 4. ये क्या है, इसका यूज ऐसे करते हैं d by dx of x की पावर n equal to n into x की पावर n minus 1. इसको अप्लाई किया तो क्या है, n की जगह 5 है, 5 आगे लाए, x की पावर n minus 1, n क्या है 5 की जगह 5 minus 1, तो 5 x की पावर 4. ऐसी और भी यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं आपको. ये है 3x क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं d by dx of x के रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर लेके आते हैं, d by dx of x क्यूब. तो यहां पर क्या होगा, ये तो 3 ऐसी रहेगा, ये 3 अपने आप में ऐसे ही रहेगा. यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह क्या है, यहां पर ये वाला 3 है, इनटू 3 इनटू x की पावर n माइनस 1, मींस n क्या है यहां पर, ये 3 है, 3 माइनस 1. तो ये 3 3 जा 9 इनटू x की पावर, 3 में से 1 कम किया, ये आया 9x स्क्वायर. ऐसी और भी है, ये एप्लीकेशन है. जैसे और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये है x की पावर 7, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं d by dx. तो
तो देखो n क्या है यहां पर 7 है, इसको मैं क्या लेना आगे लेके आ रहा हूं, x है आपका x की पावर n माइनस 1, यानी 7 में से 1 कम किया तो 7 माइनस 1, तो ये क्या आएगा आपका 7 इंटू एक्स की पावर 6। ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन लाता हूं मैं पॉजिटिव का, जैसे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम अलग अलग करेंगे, सेपरेट कर देते हैं इसको, जैसे d बाय डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 2। अब देखिए इस पर करेंगे हम ऑपरेशन, 3 बाहर आया, d बाय डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, देखो d बाय डी एक्स ऑफ x, इसको मैं यही ऐसी रहते देता हूं x, और देखो कांस्टेंट में पहले फॉर्मूले में लिखा चुका हूं इसकी, इसका डिफरेंस होता है 0। अब देखो यहां पर 3 ये फॉर्मूला यूज इस पर, तो n की जगह क्या है 3 into 2 x की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 प्लस, इसमें भी यूज कर सकते हैं x की पावर क्या है कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है 1 माइनस 1, यानी यहां 1 आगे आएगा, देखिए इस टर्म्स को, प्लस इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आएगा इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 x, x की पावर 2 माइनस 1 1 होगी, खाली x लिख सकते हैं, प्लस देखो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये इसका डिफरेंशिएट होता है। ये हम क्या कर सकते हैं सेपरेट अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका, तो ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, जो बहुत यूजफुल होगा आपके फिजिक्स के पर्पज से।